हमारा विधायक कैसा हो? आनंद भैया कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? आनंद भैया कैसा हो? आनंद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आनंद कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। मढ़ियाओं विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो मढ़ियाओं विधानसभा में जो एक उलटफेर देखने को मिली है, जिस तरह से यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे बीएसपी के जो एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी कहे आनंद दुबे थे, तो आनंद दुबे को वो टिकट नहीं दिया गया जिसके बाद वो बीएसपी में शामिल होकर उन्हें बीएसपी से यहाँ से अभी वो प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके लिए जो एक लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है, क्या वजह है कि आज आप आनंद दुबे जी के साथ खड़े हैं? हमारे वो मित्र हैं और साथी भी हैं। हाँ, इसी वजह से मित्र हैं इसलिए साथ खड़े हैं, या फिर वो एक अच्छा काम लगता है यहाँ की जनता के लिए? नहीं नहीं, वो जनता के लिए काम करेंगे। हाँ, अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग सब जुटे हैं उनके साथ, उनको जो है बनाना है भाई हम लोगों को। आप किस तरह देखते हैं आनंद दुबे जी के व्यक्तित्व की बात करें, किस तरह के रूप में देखते हैं, और उन्हें टिकट नहीं दिया गया जिस तरह से अपना दल से, क्या लगता है इससे आप रूठे हुए हैं? बिल्कुल रूठे हुए हैं, सवर्ण समाज पूरा रूठा हुआ है। जिस तरह से अपमानित किया गया सवर्ण समाज को, वो पूरी तरह से यहाँ का सवर्ण समाज रूठा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको ललकारा कि आप निर्दल लड़ो, लेकिन उनको बीएसपी बहन मायावती ने सहयोग किया, इस वजह से ये जनता का हुजूम आप देख रहे हैं। आपने कहा सवर्ण समाज जो है वो रूठा हुआ है, तो रूठने का जवाब आप कैसे देंगे जी? आप सवर्ण समाज जो है वो रूठा हुआ है तो उसका जवाब कैसे देंगे? हमारे पास हथियार नहीं, हम वोट से जवाब देते हैं, मत से देते हैं, ये हमारा है। क्या वजह है आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी नहीं, मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या वजह है कि आज आप उनके साथ हमें नजर आ रहे हैं? मैं ब्राह्मण समाज का हूँ, ब्राह्मण समाज टिकट कटने की वजह से नाराज है, और यहाँ पर ब्राह्मण समाज बहुत ही तेजी से इनके साथ जुड़ रहा है। आप क्या लग रहा है यहाँ पर मढ़ियाओं विधानसभा की पूरी जो ब्राह्मण समाज खाली उनके साथ है या सर्व समाज उनके साथ है? उनका नेचर ऐसा है कि सर्व समाज उनके साथ है, वो व्यक्तित्व के बहुत धनी है, पर ब्राह्मण समाज जो अपमान हुआ है उसके साथ इनके साथ अपमान झेल नहीं पा रहा है ब्राह्मण समाज। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसी तरह ब्राह्मण समाज उस दिन देख रहा था कि टिकट मिलेगा, लास्ट में काट के एक पटेल को दे दिया गया। यहाँ जातिवाद की गई है? जातिवाद बिल्कुल की गई है मैडम। ब्राह्मण का टिकट था तो उसको पटेल को क्यों दिया गया? नहीं नहीं, इसका जवाब ठीक था, पर उन्होंने हमारे विधानसभा में पटेल थे सब थे, यहाँ के जो प्रत्याशी थे उनको नहीं दिया गया, बाहर के दिया गया। यहाँ पे जो 14 प्रत्याशी थे अपने विधानसभा क्षेत्र के, किसी को नहीं दिया गया, वो बाहरी किसी को दे दिए, इस कारण हम नाराज हैं। और आनंद भैया जो है उनका जो है विगत वर्षों से विंध्या यहाँ से पूरे विधानसभा से विंध्या से दर्शन लिए बस जाती है। जो आनंद दुबे जी क्या यहाँ पे रहते हैं? मैडम, मैं एक अपनी बात करना चाहता हूँ। यहाँ से हम लोग स्वर्ण समाज के लोग बिलोंग करता हूँ मैं, छोटे सिंपल बताते हैं, एससी में एससी लड़ेगा, ओबीसी में ओबीसी और जनरल में भंडारा, इसलिए हम स्वर्ण सोना नाराज हैं। और आनंद भैया यहाँ सेवा करने आए हैं, जनता की सेवा। पार्टी से जुड़े हुए या आप आम पब्लिक हैं? मेरा घर यहीं सिमही रामपुर है जी। तो किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से अब चुनाव वोटिंग का करीब है, लोगों में चर्चाएं होती है, क्या क्या चर्चा है इस समय, किसका नाम की चर्चा है जो देखने को मिल रहा है कि इनकी लहर है, इनको ही इस बार लोग वोट? यहाँ किसी की लहर नहीं है, यहाँ जमीनी नेता है भैया और जमीन से जुड़े हुए हैं लगभग, मतलब पार्टी नहीं व्यक्ति विशेष, व्यक्तिगत बेसिस से यहाँ सरोजात इनके साथ है और लगा हुआ है और 15 सालों से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं भैया यहाँ पर। आप अभी आपके गले में जो मैं देख पा रही हूँ बीएसपी का पट्टा है, कि आप बीएसपी से पहले से जुड़े हुए कि आज आप बीएसपी में? पहले से नहीं है, ब्राह्मण समाज से है, बीएसपी में इसलिए है क्योंकि अपना दल एस पहले टिकट का आश्वासन देती है, फिर टिकट पटेल समाज को दे देती है, इसलिए कि वो पटेल है। ब्राह्मणों को सीधा सीधा मना किया गया वहाँ से कि ब्राह्मण छत्री को टिकट नहीं देंगे, हम पटेल को टिकट देंगे। पिछले 10 सालों से आनंद भाई मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरा समाज चाहता था आप अगर टिकट नहीं पाते हैं तो आप निर्दल लड़िए। ये सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहन मायावती जी ने सम्मान किया ब्राह्मण समाज का और भैया को टिकट दिया, इसलिए पूरा समाज और जो पब्लिक प्रभावित है भैया से, क्योंकि पिछले 10 सालों से विंध्याचल के लिए फ्री सेवा बस चल रही है, रामपुर की रोड टूटी हुई है, भैया के द्वारा बनवाई जा रही है, उनके कहने पर ही काम यहाँ शुरू हुआ है, तो पूरा समाज प्रभावित है और पूरा समाज इस बार इनको पूरा जवाब देगा। इनकी सीट जब नहीं निकलेगी तब इनको पता चलेगा कि जो नेता यहाँ पहले से कार्यरत है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को सीट दिया जाए तभी सीट निकलेगा, इसका जवाब पूरा समाज वोट दे के देगा इनको। आनंद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने पहले देखा आनंद जी को यहाँ पे? क्या मैम? इस विधानसभा में आनंद जी को पहले कभी आप जमीनी स्तर पे काम करते हुए देखे? हमेशा देखे हैं मैम, लगभग मैं 10 से 12 सालों से देख रहा हूँ। किस तरह से देखा आपने, क्यों कहते हैं वो बाहर रहते हैं? मैम वो यहीं रहते हैं, उनका आवास ईदगाह मणियाहू बाज़ार में है, ठीक है, और ज़मीनी स्तर से आवास से नहीं, लगभग 10 से 12 सालों से लगे हुए हैं,
छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा, हर जगह उनको देखा जाएगा। और मैं तो चाहूँगा इस बार विधायक हमारे हैं और रहेंगे। मतलब आप मान चुके हैं वही आपके विधायक? बिल्कुल बिल्कुल मान चुके हैं। आनंद भैया जिंदाबाद। पूरा समाज है विधायक वही बनता है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, तो विधायक बनने की क्षमता है उनकी। मैडम एक बात और, लोकल हैं यहाँ पे, लोकल बहुत सारे बिजनेसमैन हैं यहाँ पे। जो विधायक बनते हैं जो बाहर से आते हैं, लड़ लिया जीत लिया चले गए, वो दिखाई देते नहीं है। 12 साल से कोई भी त्यौहार हो वो साथ में खड़े रहते हैं, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, वो साथ में खड़े रहते हैं। अगर वो लोकल हैं तो हमारे साथ खड़े रहेंगे। व्यापारियों की कोई समस्या है तो वो सुनेंगे, उनका ऑफिस है और उस नेचर के हैं भी वो। 12 साल से उन्होंने काम किया हुआ है इस फील्ड पे। नाराज़गी ये है कि ये कभी फील्ड में दिखाई नहीं दिए, कभी कोई बात करें, कौन फील्ड पे नहीं दिखाई दिया? पटेल जी, डॉक्टर साहब, कोई भी कैंडिडेट। मैडम और देखिए दूसरा कैंडिडेट बताते आपको। मेरा घर सबेली पड़ान है जो कि पड़ता है सुजानगंज में, मूल निवास मेरा वहाँ पे है, मुगराबासापुर में, जिसका टिकट कट के आया है मैडम का। मैडम वहाँ से भगाई गई हैं। आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू करिए, ब्राह्मणों का इंटरव्यू कर लीजिए, क्षत्रियों का इंटरव्यू कर लीजिए, समझ रहे हैं? अब वो उन्होंने निगलेक्ट किया हुआ वहाँ पे कई जगह। अपने विधानसभा में बढ़िया काम करेगा, विधानसभा छोड़ के भागेगा क्यों? भागना उसी को पड़ता है जो विकास नहीं कर पाता, जो पब्लिक के बीच में बना हुआ नहीं। जो अभी यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, सड़कों के, रोड के, इसी परेशानी, क्या लग रहा है कि आप इसलिए यहाँ पर खड़े हैं, क्या ये परेशानी है? आनंद दुबे जी, नहीं एकदम बिल्कुल आपको ये आश्वासन में, क्या जनता को ये आश्वस्त खुद है? अब आज भैया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आज इनका चुनाव पूरा जनता लड़ रहा है। और जनता के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है, जनता आज ये कह रहा है कि मुझे नेता नहीं बेटा चाहिए। और निश्चित रूप से आप ये समझिए कि आज हम सबको एक बेटा मिल गया है, अपना एक भाई मिला है और विजय भैया का है। आनंद दुबे जी, 370 मणियाहू विधानसभा से 15-20 साल से लगे हैं सेवा में, बहन बेटी की शादी कराते हैं, दुख सुख में सबके खड़े रहते हैं, और भैया ने बिना चल बस फ्री में चलवाते हैं, सबको दर्शन करवाते हैं, इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं, जमीनी नेता। इन्होंने बोला कि दर्शन करवाते, खाली दर्शन करवाना ही अगर यहाँ का विकास होगा? नहीं, दर्शन की बात नहीं, यहाँ पे ये खुद ही एक दर्शन है। मैं किसी समाज से नहीं हूँ, सब समाज की बात कर रहा हूँ, मैं समाज की नहीं बात कर रहा हूँ, वो भी समाज की बात नहीं कर रहे हैं। आनंद भैया दुबे भले से हैं, वो किसी समाज के नहीं, वो मानव समाज के हैं। मैं भी यादव हूँ, बिरादरी में भले से यादव हूँ, लेकिन एक मानवता के नाते मिला मेरा पहला परम कर्तव्य है। हम लोग जितने मानव हैं सब लोग उनके साथ हैं, पहली बात। और ये चुनाव आनंद दुबे नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मड़ियाहूं विधानसभा पूरी लड़ रही है। और मड़ियाहूं विधानसभा 7 तारीख को गुपचुप रह के, कोई हुजूम, कोई भीड़, कोई जात बिरादरी के नाम लिए बगैर ऐसा जवाब देने जा रही है। आप 10 तारीख को परिणाम देखिएगा। जाने या न जाने, जो भी हो, पार्टी खड़ा हो, कौनों भी जा रही हो, कि हमारे खाली हाथ ही नहीं हूँ। लेकिन लगता है वो काम करेंगे? आनंद काम करें या न करें साहब, लेकिन आपको बीएसपी को देंगे? हाँ, यहाँ पहले विकास तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ जितने भी आए कुछ करके नहीं गए। अब आनंद दुबे जी आए हुए हैं, अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब उनसे आपकी उम्मीद है? हाँ। जिस तरह से आपने देखा कि आनंद दुबे को लेकर लोग दिल से यहाँ पर जुड़े हैं, दिल से यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि पार्टी नहीं, यहाँ पर पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन पार्टी के अलावा भी लोग अपने दिल से यहाँ पर उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें जो है वो यहाँ पर आनंद दुबे के साथ जुड़ी हुई है। और उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य के नाम पर सुनने यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पर आनंद दुबे जी अगर चुनकर आते हैं तो आनंद दुबे ही यहाँ का विकास कार्य करेंगे। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।